शुरू करते हैं सेहतमंद रोजा और शो में राहिल के साथ। आप कॉलिंग लाइन से हमारी 0213 43 क्या है नंबर, क्या है रिजान नंबर? यहां से देख के तो मैं भी पढ़ सकती हूँ, 4300737। और यहाँ पर हमारे साथ हैदराबाद से इमरान भाई भी यहाँ मौजूद हैं, और आपका इमरान भाई के साथ जीशान, जीशान मैं मिक्स हो गई, एक तो जीशान, इमरान, रिजवान, माशाल्लाह सारे जो है ना वो नून इधर ही हैं। ये अच्छी बात है सर, आप लोग हैदराबाद से आए हुए हैं, आप लोगों को खुश आमदीद करते हैं। हमारी छोटी सी फैमिली है और हम लोग जब बाहर से शहर से कोई आता तो हम बहुत खुश होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आज आए हुए हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपकी आवाज़ जरूर सुने। आपको कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को बहुत मुबारक हो, आज जो है बड़ा दिन भी है, बड़ा दिन है, बिल्कुल ऐसा बड़ी रात गुजरी है। अल्लाह पाक हम सबको इस रात की बरकत तो फैल, हम सबको हम सबके ऊपर अपने करम फरमाए, आमीन आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुरू करते हैं सेहतमंद रोजा डॉक्टर मिराज के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है आजकल? हाथ छोड़ेंगे तो बताऊं। अच्छा सॉरी, क्या करें, सॉरी भाई बैठे, वरना मैं बहुत कुछ कहना चाह रही थी। खूबसूरत लड़की का हाथ कौन छोड़ेगा? खैर तभी मैंने आपको छोड़ा नहीं। जी 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 जी, अच्छा बताएं ना आज क्या कर रहे हैं? अच्छा कल तिब्बत अभी पे जो हम बात कर रहे थे, कलौंजी की बात, और कलौंजी की अफादियत इतनी सारी चीजें हैं कि मतलब वही नूरी भाई भी कहते हैं कि ना रुकने वाला सिलसिला है अगर हम उसकी अफादियत बयान करना शुरू करें तो। कुछ बहुत ही खास चीजें हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं और बहुत कॉमन इश्यूज हैं कलौंजी के साथ जो जुड़े हुए हैं, उसके बारे में बताएंगे। कलौंजी के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा ठीक है। जैसे एक हमारे हारमोन्स का मसला होता है, ठीक है, कि कलौंजी के साथ हम क्या मिला के इस्तेमाल करेंगे तो वो मसला ठीक हो जाता है, ठीक है। खर्राटे लोग बहुत लेते हैं, खर्राटे स्नोरिंग होती है। अबू धाबी से कॉल है आपके लिए। अच्छा जी ले लूं इजाजत दे दो। खर्राटों की बात से याद आया कि एक कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कॉल पे है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं आपकी असगर बोल रहा हूँ अबू धाबी से। कैसे हैं आप असगर भाई? ठीक है, बस दुआएं आपकी, अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम और सलामत रखे, आमीन। और इस तरह हमारा प्रोग्राम आपका क्या हमारा इसी बात दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, आमीन। आप देख रहे हैं अबू धाबी में भी? मैं अभी अबू धाबी में रोजाना देखता हूँ जी। अरे वाह, तो और मैंने पूछना था कलवंजी से बैक पेन का इलाज, मेरे को बैक पेन है 10-15 साल से। पूछिए, बात करिए डॉक्टर साहब से। जी जी भाई फरमाइए जी, क्या इशू बताया उन्होंने? इन्होंने इशू बताइए, प्रॉब्लम मसला बताइए अपना। इशू बैक पेन है, मेरे को बैक पेन है। बैक पेन है, ओके ठीक है। और दूसरा इमाम हसन पाक की विलादत की जो में विलादत है, तो बहुत ढेरों मुबारकबाद आपको, प्लीज उनका जिक्र जरा आज ज्यादा हो जाए तो इंशाल्लाह। बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा आज की महफिल में इंशाल्लाह। बिलखैर, बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल करने का। बैक पेन है करौंजी के हिसाब से? अच्छा, उसका मैं बताऊं, बहुत ही आसान इलाज है। कमर का दर्द किसी भी वजह से हो, किसी भी उम्र के हिस्से में हो, मेल फीमेल किसी को भी हो, ठीक है। इसमें करना क्या है, सौंठ लेनी है, ड्राई जिंजर, सूखी हुई अदरक लेनी है तकरीबन 1 चम्मच, बड़ी हर का पाउडर लेना 1 चम्मच, ठीक है। ये दोनों चीजें एक बड़ा चम्मच लेना है, खाने का चम्मच, ठीक है। कलौंजी जो डलेगी वो डलेगी 1/4 चाय का चमचा, 1/4 मैं लेकर आती हूँ 1/4 चमचा। हाँ बिल्कुल, जुबैर मियां जरा देना छोटा चमचा, देना छोटा वाला चाय वाला चमचा। यहाँ पर ये बना रहा है, एक चीज मेरी ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है जो कि मैं पालक। ये देखो ये तुम्हारी जो है ना बड़ी बहन, मेरा को कसूर नहीं है, ये चोरी करती है, ये करती, ये सारी धांधली यहाँ होती है। नहीं मैं चोरी नहीं करती, मैं बताती हूँ किचन में सब कुछ मौजूद है। बड़े चोरी नहीं कहते, दादागिरी कहते हैं, जो कर सकते हो कर लो। ये जी एक चाय का चमचा, देखे 1/4 चमचा, 1/4 हिस्सा। कलौंजी जो है बहुत ज्यादा नहीं डलेगी, ठीक है, ठीक है। दो मतलब एक बड़ा चम्मच हर हो गया, एक बड़ा चम्मच ड्राई जिंजर सौंठ हो गया, और 1/4 चम्मच जो है ये आपका कलौंजी हो गया। तीनों को मिला के आपने सफूफ पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद जो है इसको जो सफूफ बन जाएगा, तो 1/4 चमचा सुबह और 1/4 चमचा रात को शहद के पानी के साथ इस्तेमाल करना है। शहद के पानी, शहद के पानी का मतलब, बिल्कुल हाँ, उसका मतलब यह है कि जैसे आपने एक गिलास पानी लिया,
उसमें एक चम्मच शहद मिलाया, माउल असल कहलाता है ये, ठीक है, उसको मिक्स किया, आपने ये पाउडर खाया, उसके ऊपर ये पानी पी लिया, ओके, ना सिर्फ कमर का दर्द बल्कि एक तरह से बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी ट्यूनिंग हो जाती है, चाहे वो दिल हो चाहे जिगर हो, जो भी तमाम चीजों की एक तरह से ट्यूनिंग कर देते। जब अमर भाई आखिरी 5 मिनट रहे तब बताइएगा, तो मैं इमरान भाई से कहूंगी कि उनकी आवाज से सुनते हुए जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो, मैं हुमा बोल रही हूँ लाहौर से। कैसी है हुमा, ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माया आप भी, आपको तो देख के आंखें तरस गई हैं। क्यों? वैसे ही। अच्छा माया, आपसे मैंने आपसे पूछा था आपकी अम्मी कैसी हैं? मेरी अम्मी प्यारी बोले और गोल है, बड़ी प्यारी है माशाल्लाह, और गोल भी है थोड़ी सी। अल्लाह का शुक्र है माया, अभी मैं आपको बिल्कुल लाइव देख रही हूँ इस टाइम, माशाल्लाह। अल्लाह की कसम, मैं आपको लाइव नजर आ रही हूँ। और क्या माया, अच्छा। मैंने आपको खुशखबरी सुनानी थी माशाल्लाह, मैंने MSc के पास टेस्ट का पेपर दिए और मेरे माशाल्लाह 417 मार्क्स आए हैं। ओ माशाल्लाह भाई, हमारी बच्ची पास हुई है, जबरदस्त तालियां, इतनी कंजूसी कराची वालों, हद हो गई। और अब मैं फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दे रही हूँ, अब मेरा आखिरी पेपर 11 तारीख को, आप दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरी बहन के बहुत अच्छे नसीब करे, कदरदानों में रखे। और ये उम्र आपकी से ना एक बात अपने ना, ये वाली उम्र आई से जी, अच्छा ये बात मेरे बहुत ज्यादा आती है, थोड़ी भी ना मैंने उनसे बात करनी है, बात कर जी, 1 सेकंड होल्ड करना, हाँ 1 सेकंड। डॉक्टर साहब आपके लिए कॉल है। जी जी, मिलाइए। वालेकुम, अल्लाह का शुक्र बेटा, बताओ क्या मसला है? मेरे ना ये नीचे थोड़ी भी ना ये चीन से बहुत गैर जरूरी बाल आते हैं, मैं इनसे बहुत परेशान हूँ, तो आप बताइए कोई तोड़का बता दे प्लीज। ठीक है, ठीक हो गया। अनवांटेड हेयर्स के लिए मैं एक दो चीजें और भी बताऊंगी, लेकिन एक छोटी सी चीज बता दूं, कलौंजी के साथ उसको हम बनाएंगे, ठीक है। इसमें जो है हमें चाहिए कस्ते शीरी, ठीक है, सोरंजान तल्ख, ठीक है, और अजवाइन फरासानी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे लिखिए तीनों चीजें। हाँ नहीं, मैं ये लिख रही थी कि ये ब्रेक है। ओके, अच्छा ये तीनों चीजें आपने हम वजन लेनी है, उसमें थोड़ी सी कलौंजी मिलानी है, चारों चीजों का पाउडर बना लें, जब भी आप वैक्सिंग करें या थ्रेडिंग करें उसके बाद इस पाउडर का पेस्ट बना के ये लगा लें 10 मिनट के लिए। और ये पाउडर रोज आना, आपने पेस्ट बना के लगाना है, तकरीबन 3 से 4 महीने लगेंगे और अनवॉन्टेड हेयर जो है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू रखेंगे। और इमरान भाई आपकी आवाज से आज जो है हम वक्त पे जाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मनगमत पढ़ने, नात पढ़ने, क्या पढ़ने? दुआए कलाम पढ़ रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह, मशहूर ज़बान कलाम। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से صدقہ عطا کے دوشان کریمی کا صدقہ دلا صدقہ نہ مانگوں گا تجھے سے تو مانگوں گا کیسے تیرا ہوں تجھے سے دعا مانگتا دولت عطا
تاکے جو بیمار ہے اس کو صحت عطا کرے، مریضوں کی خاطر دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، صدا دور رکھنا، پریشانیاں کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ، اور سونے کی خاصیت ہے آپ کے اوپر سونا لگنے والا ہے، مائک تو لے آؤ آنٹی کے پاس، آپ کے اوپر سونا لگنے والا ہے، آپ تو آپ نا چھپ کے جائیے گا، شر پسند افراد آپ کو پیچھا نہ کرے، آگے آ جائے، سونا جو ہے جذب ہو جائے گا، سونا آپ آگے آئیے گا، لائٹ لائٹ آئے گی نا، ہاں آگے آئیے گا۔ اچھا لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے فیس کو واش کیا اس طرح سے لگا کے، اب یہ ہلکا ہلکا مساج شروع کر دیں گے، تھوڑا سا جوس گرے گا، ٹشو پیپر ٹشو دیجیے، ہاں ویری گڈ، بس اس طرح کہ جوس ہے، یہ تو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے، ٹماٹر کہ نہیں کھایا کرو، کھال تم تمہیں لے آؤں گی میں آن اسکرین، ٹماٹر کے اندر شہد ڈالو، شہد کے اندر پیور گولڈ کا پیپر 24 کیرٹ کا، اور اس کو آپ فیس پر جو ہے جیسا ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں جو موومنٹ ہے اسکن کی، ہاتھ کی ہینڈ موومنٹ، اس کو جو ہے وہ دیکھ کر، اور یہ اسکن جو ہے کہہ رہی ہے فوراً ٹائٹنگ ہو جائے گی، جو لائنز آ جاتی ہیں جیسے یہ آپ کے نا یہ اپنے لاف لائنز آ جاتی ہیں، جی 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 ٹھیک ہے، یہ آئیز کے نیچے ہے، یہ لائنز فوراً ختم ہو جاتی ہیں، شہد جو ہے لفٹ کرتا ہے، اور جو ٹماٹر ہے وہ نرش کرتا ہے، اور گولڈ تو ویسے ہی لفٹنگ دیتا ہے، اور گولڈ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایبزارب ہو جاتا ہے، جب ایبزارب ہو جائے گا تو وہ اسکن کے اندر جا کے جو کالاجن ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرے گا۔ اوف ہماری آنٹی سونے والی آنٹی ہو گئی، کوئی اگر سینسیٹیو سکن ہو تو اس کو کوئی اس سے ایشو تو نہیں ہوگا، کوئی بھی ایشو نہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، اس سے کہ ہنی جو ہے اینٹی سیپٹک بھی ہوتا ہے، اور گولڈ کا بھی یہی کام ہے، وہ اینٹی سیپٹک ہوتا ہے، اینٹی فنگل ہوتا ہے، تو سونا اور شہد دونوں چیزیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتی، تھوڑی سی جو سینسیٹیو سکن ہے اس کو ٹماٹر ہلکی سی ٹنگلنگ سی فیل ہوگی، آپ کو ہو رہی ہے آنٹی فیل ٹنگلنگ سی ہلکی سی، جلن محسوس ہو رہی ہے آپ کو ہلکی سی، نہیں بولیے گا نا، نہیں نہیں، بس اس کو اتنا ہم نے مساج کرنا ہے کہ جو سونے کی چمک آنٹی کے چہرے پہ آ رہی ہے، یہ جو ہے نا گولڈ پورا ایبزارب ہو جائے گا نا، اوف جیسے ابھی ہم یہاں پہ کریں گے جو لائن پہ، تو یہ جو لائن ان کی واضح ہو جائے گی، اگر یہ ہفتے میں ایک دفعہ بھی کر لیتی ہیں اس طرح، جلن تو نہیں ہو رہی نا، کچھ بھی برننگ جلن نہیں، بالکل مجھے آپ سے بہت جلن ہو رہی ہے، اور یہ بیٹھے بیٹھے گھر میں جیسے اب یہ ویسے بھی لگاتی رہے، خود بھی ہلکا سا مساج کرتی ہے، تقریباً 5 سے 7 منٹ کا مساج کرنا ہے، اور 20 منٹ کے بعد واش کر لینا ہے، مجھے تو کبھی نہ بتایا ڈاکٹر تم نے، یہ میں نہیں چاہ رہی کہ آپ مزید خوبصورت ہوں، میں نہیں چاہتی، یہ تو ریکارڈ پر آ گیا میرے بھائی، یہ بریکنگ نیوز بنا دو اب، اچھا اس کی کوئی ڈائریکشن بھی ہوں میں کہ اس کو نہیں، بس جیسے لائنز ہیں نیچے سے اوپر کی طرف، یا اسکن لوز ہے، بس سرکولر موشن، ایسی سر ڈاکٹر میرا ہی نے آپ کا ٹریٹمنٹ کر دیا، بھائی واہ 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 کیا بات ہے، کوئک ٹریٹمنٹ ہے یہ، میں کتنا کوئک ٹریٹمنٹ ہے، کتنا ہیلدی ٹریٹمنٹ ہے، میں کہہ رہی ہوں شوگر ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا زبیر کچن میں، میں نے سب سے پہلے کہا تھا مجھے بتائیں، جی اب تو زبیر نے جیل لیا ہے، شہد کی وجہ سے نا اسکن بہت زیادہ لفٹ ہوتی ہے، ٹماٹر کا جوس جو ہے وہ گلو دیتا ہے، اور گولڈ پینیٹریٹ ہو کے وہ لفٹنگ افیکٹ دیتا رہتا ہے، ماشاءاللہ فٹافٹ بنا لیتے ہیں، اچھا اس میں ہمیں لینا ہے چاول کا آٹا، چاول کا آٹا، بیسن بیسن اور یہ بادام
का पाउडर बादाम पिसे हुए। अच्छा अच्छा, ये तीन चीजें, चावल का आटा जो है लिफ्टिंग भी देता है, व्हाइटनिंग भी देता है, ठीक है, और पिगमेंटेशन भी खत्म करता है। पिगमेंटेशन जो यूजुअली आपके छाइयां जो पिगमेंटेशन में लाजमा होता है। बेसन जो है ऑयल कंट्रोल करता है, दाने खत्म करता है, दानों के निशान खत्म करता है। और ये जो बेसन है वो सॉरी बादाम है, और बादाम की वजह से जो है चेहरे पे चमक आती है, डाल दीजिए, और चेहरे के ऊपर जो ग्लो जिसे हम पॉलिशिंग करते हैं वो वाली चमक आती है। ये तीन चीजें आपने मिलानी है। पॉलिशिंग मतलब वो ब्लीच वाली, ब्लीच वाली जो चमक आती है वो बादाम के साथ आएगी। और जो अगर बादाम लगाते रहेंगे तो जो एक्स्ट्रा वो जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो गोल्डन हो जाते हैं। ये मास्क बन गया। अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उसमें शहद मिला लें, वरना ये आपका रोज वाटर के साथ तैयार है पानी के साथ, और इसको लगाना है, लगा के 20 मिनट के बाद इसको वॉश कर लेना है। ये ड्राई हो जाएगा ना? बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और इसको जैसे आप वॉश करेंगे तो चेहरा जो है बिल्कुल किसके लग रहा अच्छा, इसकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, ठीक है, पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे, और रंग इससे बहुत अच्छा साफ होता है, है? बहुत। किसको चाहिए, किसको लगाना है, है? आज तो उसमें क्या अच्छा खासा माशाल्लाह रंग और अच्छा हो जाएगा हमारी बहन का, उसमें क्या लगवाना है, बन रहा है तो आज 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 मैं लगा देती हूं। पैसे बच जाएंगे मेहमान के। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह रेहान भाई भी हमारे साथ होंगे, डॉक्टर रेहान राठौर के साथ वज़ाइफ और इस्तखारा। और आज मैं ना रेहान भाई से मैंने बहुत सारी बातें करनी है, मैंने वाले इस्लाम मेरी बहन आ जाए, और इतनी सारी मुझे आज सवाल करने, सब लोग मम्मा भी मुझे कल गई थी तो कैसे भाइयों से लड़ती है, मैं लड़ती नहीं हूँ, सवाल करती हूँ, मैं पूछूंगी नहीं इनसे तो मैं किससे पूछूंगी। इतने सारे सवाल जहन में होते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, चीजें अगर लॉजिक्स मिल जाए ना उनकी तो बहुत क्लियर हो जाता है, और लॉजिक मिलने के बाद आपके वही सवालों के जो जवाब होते हैं ना, आप अगर आपके सामने कभी जिक्र हो रहा हो, आपके सामने कभी डिस्कशन हो रहा हो, तो आप वो जवाब दे सकते हैं। आपसे कितने सवाल किए जाते होंगे महफिलों में, कभी आप लोग जा रहे हैं, आप लोगों ने सवाल कर लिए लोगों ने, नहीं है ना, तो वो वाली चीज जो है ना वो आपको क्लियर करी थी कॉन्सेप्ट। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह डॉक्टर रेहान राठौर के साथ मुलाकात होगी। टेलीफोन लाइन्स ओपन हैं, आप उनके सेगमेंट में कॉल कीजिए। कल जिन्होंने पूछा था सना के पास वो अमानत है, उनके नामों के साथ वो बताएंगे रेहान भाई, क्योंकि उनको था कि मैं उन लोगों ने जिन्होंने कॉल किया ना उनको बताना है। अब आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर डॉक्टर साहबा उनकी स्किन पर लगा भी रही है, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा, यही देख रही हूँ कलर अच्छा है इनका, लेकिन सिर्फ पिगमेंटेशन से जो है ना, बिल्कुल ये लगाती रहेंगी, हफ्ते में 3 बार लगाएंगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी लाइंस भी खत्म हो जाएंगे, स्किन जो लूज हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी। कर लीजिएगा, सिर्फ 3-4 चीजें डल रही हैं घर की, अच्छा अच्छा हो जाएगा, ठीक है, अच्छा हो जाएगा, और क्या इतनी जबरदस्त जाएंगी। पानी पीने जा रहे सहरी पे पी लिया करें इफ्तार के बाद से सहरी तक, और क्या। रोजरात डॉक्टर उमर राहिल के साथ सेहतमंद रोजा नेचर और साइंस, यहाँ पर हम छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारी जो है मुलाकात होगी, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह यहाँ पर लाइव अजान असर भी होगी और जमात भी इंशाल्लाह होगी। आज जुमेरात का दिन है, आज है विलादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला, आई एम सो सॉरी। आज है लाइव, थोड़ी देर बाद अजान, और फिर उसके बाद उससे पहले डॉक्टर रेहान राठौर के साथ हम इंशाल्लाह सेगमेंट का आगाज करते हैं।